आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी सी रेसिपी। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए मैंने मैदा, तो मैदा लिए मैंने आधा किलो। तो उसके अंदर हम डाल देंगे नमक, तो ये नमक लिया है मैंने एक चम्मच, यानी एक छोटी वाली चम्मच आता है वो लिया है। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ये रिफाइंड ऑयल, तो ये मैंने आधी कटोरी लिया है। अब पहले रिफाइंड ऑयल को और नमक को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हमें डो बनाकर तैयार करना है, जैसे कि हम रोटी का लिए डो बनाते हैं। तो रिफाइंड और नमक हमारा अच्छी तरीके से मिल चुका है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसका डो बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लेंगे थोड़ा पानी, ज्यादा ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब मैं इसका डो बनाकर तैयार कर लूंगी। तो मैदे को मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है, तब इसको हम ढक के रख देंगे यानी 15 से 20 मिनट के लिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिए मैंने हरे वाले मटर, क्योंकि अभी मटरों का सीजन चल रहा है और इसकी कोई भी रेसिपी बनाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी लगती है। तो ये मैंने आधा किलो लिए, इनको छील लिया है और वॉश कर लिया है। अब इनको हम बॉईल कर लेंगे, यानी बॉईल इस तरीके से करना है कि ये पूरी अच्छी तरीके से टूटने लग जाए। तो आप देख सकते हैं कि मटर हमारी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब इनको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इनको पीस लेना है। तो मैं मिक्सी जार में इनको पीस लूंगी और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले लिया मैंने फ्राई पैन और इसके अंदर डाल दिया है ऑयल। ऑयल लिया मैंने एक चम्मच और इसको कर लिया है प्री हीट। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर ही, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, यानी पिसी हुई ली है मैंने, और इनको थोड़ा सा भून लेंगे यानी क्रैकर कर लेंगे बस 2 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये पेस्ट, यानी इसके अंदर लहसुन और मैंने हरी मिर्ची ली है, यानी 4 हरी मिर्ची ली है और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियां ली है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो अब इनको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसके बाद हम डाल देंगे मटर जो हमने पीस के रखी हुई थी, तो वो सभी मटर इसके अंदर डाल देंगे और 5 मिनट के लिए मटरों को हम अच्छी तरीके से पहले फ्राई होने देंगे इस मसाले के साथ, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मटर हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है, अब इसके अंदर करेंगे मसाले ऐड। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो ये मैं 1 चम्मच ले रही हूँ नमक। फिर उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। मिर्ची हम कम डालेंगे क्योंकि हरी मिर्ची हम यूज कर चुके हैं, तो ये आधी छोटी चम्मच है लाल मिर्ची पाउडर। और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए और पका लेंगे और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सभी मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, अब इसके अंदर हम हरा धनिया और डाल देंगे ऐसे धनिया पत्ती, और इसको रखेंगे साइड में और चलते हैं। तो ये मैंने बॉल्स ले ली मैदा की, बना ली है यानी छोटी सी बनानी है और इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरीके से। और फिर जो हमने डो बनाकर तैयार करा था मटर वाला, वो अब इसके अंदर हम भर देंगे। ज्यादा नहीं भरना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भरना है और इसको चारों तरफ से हम पैक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से रैप कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल और लगा लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से बेल लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, और बेलन हमें बिल्कुल हल्का हल्का चलाना है और इसकी छोटी कचौड़ी हमें बनाकर तैयार कर लेनी है, यानी कि छोटा सा इसको आकार दे देना है गोल। तो बस मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगी, अगर आप चाहें तो इससे बड़ा दे सकते हैं। तो मैं इसी तरीके की सभी अपनी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो ये ले ली मैंने कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिया ऑयल, ऑयल को कर लिया प्री हीट। जो अब हमने ये कचौड़ियाँ बनाकर रखी थी वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इनको अच्छी करारी होने तक सेकनी है, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से हमें सेकना है। तो मैं सभी कचौड़ियाँ इसके अंदर डाल दूंगी और इनको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूंगी यानी सेक लूंगी। तो हमारी कचौड़ियाँ अच्छी तरीके से सिक चुकी हैं यानी तल चुकी हैं, आप देख सकते हैं।
ये देखिए इसी तरीके से तल ली है। तो अब मैं इनको निकाल लूंगी और इनको करूंगी गर्मा गर्म सर्व। तो मैंने इसको सर्व कर दिया है हरे धनिए की चटनी के साथ, क्योंकि चटनी के साथ कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ठंड में तो गर्म गर्म चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको मेरी हरी मटर की कचौड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।